करने के लिए संदीप जी हैं, और उनसे ज़रा समझते हैं कि वो कैसे अपने बिजनेस को इस समय देखते हैं। संदीप जैन, संदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ओवरऑल डिमांड ज़रा पता करना चाहता हूँ सर, इस समय डिमांड कैसे चल रही है और सप्लाई को लेकर कोई खास दिक्कत तो नहीं ना? देखिए, अगर हम अप्रैल मई की बात करें तो डेफिनेटली जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा डिमांड स्लो थी और मई में थोड़ी रिकवरी हुई थी, लेकिन जून में अभी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और कस्टमर फुटफॉल्स भी बढ़े हैं और हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमारे रिटेल स्टोर्स के ऊपर भी डबल डिजिट के ऊपर आ रही है। सर, ये सीज़न जब एंड होता है तो सेल्स वगैरह काफ़ी लगती हैं, तो वहाँ से कितना रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है? हाँ, तो एंड ऑफ सीजन सेल्स की काफी अच्छी बिगिनिंग हुई है। हमने देखा है कि जैसे ही एंड ऑफ सेल्स हमारी लगी है तो सेल्स में काफी इंक्रीज आई है। अगर हम अपने स्टोर्स की बात करें तो ये हायर डबल डिजिट पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये जून का जो महीना है अच्छा रहेगा। ठीक है जैन साहब, एक और चीज़ बताइए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से कुछ और आप प्लान कर रहे हैं, कहीं एक्विजिशंस वगैरह करना चाहें ये गारमेंट्स के बिज़नेस को छोड़ के कहीं और कुछ? नहीं, अभी तो हम अपने ऑर्गेनिकली अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि हमारी अभी एक्सपेंशन साउथ और वेस्ट में चल रही है और हमारी एक थोड़ी एक्सपेंशन होम टेक्सटाइल में हमारा एक प्लांट आ रहा है जेएनके, उसके ऊपर फोकस है। तो अभी कंपनी का फोकस इन दो चीजों के ऊपर ही है। एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बताएंगे सर, FY24 में आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? देखिए, हमारा स्टोर एक्सपेंशन का प्लान, लास्ट टाइम हमने 45 स्टोर्स खोले थे, इस साल हमारा प्लान 50 से 55 स्टोर्स है और 100 करोड़ के करीब हमारी एक्सपेंशन आ रही है जे एंड के में, जहाँ पे हमने अभी लैंड प्रिक्योर की है, तो वहाँ पे हमारी 100 करोड़ की एक्सपेंशन है और मिंक ब्लैंकेट और साथ में क्विल्ट्स की प्रोडक्शन की पूरी प्लानिंग है वहाँ पर। जैन साहब, कोई गाइडेंस आप देना चाहते हैं 2 से 3 साल के लिए कि बिज़नेस की ग्रोथ कैसी होगी, रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, प्रॉफिट्स कितने बढ़ेंगे, मार्जिन्स कितने बढ़ेंगे? लॉन्ग टर्म की बात करें तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमें 15 से 20% की ग्रोथ अगले 2 से 3 सालों में देखने को मिलेगी। इस साल की गाइडेंस हमने पहले भी कहा था कॉन कॉल में कि हम सितंबर क्वार्टर में देंगे। ठीक है संदीप जी, एक और चीज़ बताइए, ऑनलाइन बिज़नेस इस समय कैसा चल रहा है और आपकी अपनी ऑनलाइन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं कारोबार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी सेल्स आजकल उतनी मिलती है? ऑनलाइन सेल्स की कंट्रीब्यूशन हम समझते हैं कि वही 6% के करीब हमारे ब्रांड में रहेगी और ऑनलाइन पे फोकस जैसा पहले था वैसा ही बना हुआ है, लेकिन अभी कस्टमर ऑफलाइन पे भी काफी आ रहे हैं और ग्रोथ ऑफलाइन में भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। सर, आपके बिज़नेस के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज़ कॉटन एंड सेकंड इज़ यार्न, इन दोनों का प्राइस ट्रेंड बता सकते हैं और ये बता सकते हैं इन दोनों के ऊपर नीचे होने से मार्जिन्स पे कितना फ़र्क पड़ता है? ये कॉटन यार्न के प्राइस कम होने के कारण डेफिनेटली मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और ये बेनिफिट आने वाले टाइम में नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है संदीप सर, इस समय आपकी करंट इन्वेंट्री की पोजीशंस क्या है, यानी कि स्टोरेज कितना है, इन्वेंट्री कितनी है? अभी तो इन्वेंट्री थोड़ी सी ज्यादा है हमारी, क्योंकि लास्ट ईयर की विंटर की इन्वेंट्री हम कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, पर सितंबर में इसकी लिक्विडेशन शुरू हो जाएगी, तो आई थिंक वंस वी रीच द थर्ड क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर तक ये हमारी इन्वेंट्री नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। ओके ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हमने आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछे और आपने बिल्कुल सटीक सटीक उसके छोटे में जल्दी जल्दी जवाब दिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, गिरीश के पास वापस चलते हैं। गिरीश, दो हिस्सों में सवाल पूछता हूँ, फर्स्ट इस समय कंपनी आपको बिज़नेस के हिसाब से कैसे लग रही है, बाद में दूसरा सवाल पूछूंगा। प्रपोजिशंस में, क्योंकि मैं मोंटी कार्लो को पहले से भी इस स्टॉक को काफी मॉनिटर करता हूँ, तो इनके जो एक्सपांशन प्लान है, अगर हम होम टेक्सटाइल की बात करें, क्योंकि इनका जो वर्टिकल है, अगर हम सेगमेंट वाइज सेल्स की बात करें, तो उनका सबसे पहले आता है कॉटन, वुलन, होम टेक्सटाइल और फिर किड्स। तो
तो जो इन्होंने होम टेक्सटाइल के एक्सपांशन प्लान की तैयारी कर रखी है वो बहुत एक्सक्लूसिव है। उसका रीजन बिहाइंड ये है कि 250 से 300 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू एस्टिमेशन प्लान कर रहे हैं होम टेक्सटाइल इंडिविजुअल से क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 25 पे, तो इनके लास्ट कमेंट्री में भी अपडेशन नहीं था। और इन्होंने जो जम्मू के अंदर प्लानिंग कर रखी है अपने नए एक्सपांशन को लेकर, जिसमें ऑलरेडी ये पैसा इंगेज कर चुके हैं 100 करोड़ के आसपास का, ये भी एक ऑलमोस्ट ये आगे जाने के बाद ये 250 से 300 करोड़ का एक रेवेन्यू प्रपोजिशन प्लान बन जाएगा इनका सिर्फ जम्मू जम्मू प्रपोजिशन। तो इस तौर पे देखा जाए तो स्टॉक ऑब्वियसली बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगले 2 से 3 साल के लिए इनका जो टाइम फ्रेम है वो काफी अच्छा रहेगा। एंड जैसे कि हम खुद भी बात कर रहे हैं कि टेक्सटाइल ऑलरेडी एक काफी बूमिंग सेक्टर है, और जिस तरीके के नए नए एरिया ऑफ डेवलपमेंट आएंगे इस कंपनी के अंदर, तो स्टॉक काफी अच्छा रहेगा। ठीक है गिरीश, एक चीज़ आपको मेरे को आपसे और समझ नहीं रही, जैसे मैनेजमेंट से हमने उनका आउटलुक वगैरह के बारे में पता किया तो वो कह रहे कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ तो हम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो ऑर्गेनिक ग्रोथ ही करेंगे, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसी को वो जल्दी जल्दी ठीक करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। मार्जन्स ठीक रहेंगे, कमोडिटीज़ नीचे आ गई तो सेल्स खोल रहे हैं, स्टोर ऑनलाइन पर स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो मान के चलें कि अगले 2-3 साल काफ़ी अहम होंगे इनके लिए। हाँ देखिए, जैसे कि हम ये बात खुद समझते हैं कि एक रिटेल सेगमेंट्स में ऑर्गेनिक सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि इनके ऑनलाइन प्रपोजिशंस कितने अच्छे हैं। तो अभी रिसेंटली हमने इनका मॉनिटरिंग करी थी कि ये अपने ऑनलाइन के ऊपर नई स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं ताकि इनका ऑनलाइन सेल्स इनके ऑफलाइन सेल्स के लगभग बराबर आ जाए। अगर इस तरीके से देखा जाए तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सेल्स बहुत अच्छी काम करती है। कहीं ना कहीं एक जब हम बात करते हैं स्टोर ओपन करने की, तो जो ऑपरेशन कॉस्ट होता है वो कहीं पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हर एक रिटेल सेगमेंट के लिए, तो उसको हमें जो मॉनिटर करना पड़ेगा अगर हम ऑपरेशन कॉस्ट की बात करें। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि मार्जिन में कहीं कोई गिरावट आएगी, क्योंकि तो इनका जो मार्जिन साइकिल है वो भी बहुत अच्छा है, 20 से 25% का ऑन एवरेज एक एवरेज मार्जिन साइकिल एक रिटेल सेगमेंट में होना बहुत अच्छा रहता है। ओके ठीक है गिरीश।